एवरीवन, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थायराइड हार्मोन। तो बेसिकली थायराइड हार्मोन होते क्या हैं? ये वो हार्मोन है जिनकी एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है, बिकॉज इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स बनती हैं, जो हमने पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा था, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के दौरान जो आपकी प्रोटीन्स बनती हैं, तो वो जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसे कहीं ना कहीं ये क्या करता है आपका, उसमें पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करता है। साथ ही जब हम थायराइड हार्मोन को डिस्कस करते हैं तो थायराइड हार्मोन को रिलीज करने वाली ग्लैंड कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। ऑब्वियसली ये किस चीज़ से आपकी इन्फ्लुएंस होती है? आपके ब्रेन, जो कि आपका हायर सेंटर है, वहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है और वही हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है। देन एंटीरियर पिट्यूटरी एक ऐसा हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है ताकि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करे। और जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनका केवल एनाबॉलिक फंक्शन नहीं है, आप बोले फिजियोलॉजिकल कंडीशन में वो एनाबॉलिक है जब आप नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करते हैं। अगर नॉन फिजियोलॉजिक कंडीशन हो जिसमें आपका, अगर कोई किसी इंसान को कोई डिजीज है, थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में ये क्या होगा, आपका कैटाबॉलिक एक्टिविटी शो करने लगेगा। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक में डिफरेंस पता है, टाइप है मेटाबॉलिज्म के। एनाबॉलिज्म मतलब जब आपका क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलके आपका क्या बनाती हैं, एक मॉलिक्यूल बनाती हैं, वो एनाबॉलिक एक्टिविटी है। और जब कोई एक मॉलिक्यूल टूट के डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट थायराइड हार्मोन को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड है क्या एक्चुअल में और उसके कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन आपका रिलीज होता है। तो स्टार्ट करते हैं विद थायराइड ग्लैंड। तो ये आपका एक नॉर्मल सा थायराइड ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आपको दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं। ये लोब्स जो है आपके, एक ये लोब है और एक ये लोब है, ये दो लोब आपको दिखा रहे हैं। सेंटर में किससे कनेक्टेड है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो सेंटर का ये आपको स्ट्रोक दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, ये आपके दो लोब हैं। अब लोब के अंदर हम आ जाते हैं। देखिए लोब के अंदर ये फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, जो आपको ये ब्लू कलर के दिख रही हैं, ये फॉलिकल्स हैं। पूरे लोब में ये प्रेजेंट होती हैं, दोनों लोब्स में ये आपके फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम है थायराइड फॉलिकल। ठीक है, ये इनका नाम है। और इनके अलावा, इन फॉलिकल्स के अलावा, आपको जो ये देखिए डायग्राम में जो रेड कलर के स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी कौन सी सेल्स हैं, यानी कि अपार्ट फ्रॉम थायराइड फॉलिकल आपकी और भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं आपके लोब्स के अंदर, और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। अब ये दो सेल्स हमें दिखाई दी, हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता चल गया कि हाँ थायराइड ग्लैंड में आपके दो लोब्स होते हैं, सेंटर से कनेक्टेड होते हैं बाय इस्थमस। थायराइड ग्लैंड के अंदर आपके दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रही हैं, ये थायराइड फॉलिकल्स हैं। और इसी एक फॉलिकल को मैंने ओपन करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, अगर इस फॉलिकल को आप ओपन करके देखें तो वो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। बीच में आपका ल्यूमेन रहता है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये सेंटर पार्ट, ये है आपका ल्यूमेन, और ये आपके इंडिविजुअल फॉलिकुलर सेल हैं। जो फॉलिकल के अंदर जितनी भी सेल्स होंगी उनको क्या नाम देंगे, फॉलिकुलर सेल। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने ओपन करके आपको दिखाया हुआ है। तो ओवरऑल दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, थायराइड फॉलिकल एंड पैरा फॉलिकुलर सेल। अब देखिए इनका क्या काम है, ये सेल्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो थायराइड फॉलिकल है, थायराइड फॉलिकल दो हॉर्मोन्स बनाती हैं, यानी कि दो ऐसे हॉर्मोन हैं जो फॉलिकल सेल बनाती है, और एक ऐसा हॉर्मोन है जो कौन बनाता है, पैरा फॉलिकुलर सेल बनाती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं थायराइड फॉलिकल, यानी कि ये जो पूरा फॉलिकल हमने ओपन करके देखा है, इसके अंदर कौन से हॉर्मोन्स बनते हैं। तो हॉर्मोन्स के नाम है आपके T3 एंड T4। थ्री क्यों लगा, क्योंकि इसमें ट्राई आइडो होता है, फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आइडो थायरोनिन, और जो T4 है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टेट्रा आइडो थायरोनिन। टेट्रा मतलब फोर, ठीक है, टेट्रा जो है फोर हो गया, थ्री ट्राई हो गया। अब बात करते हैं पैराफॉलिकुलर सेल से क्या बनता है, तो पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होने वाला हॉर्मोन है कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो ओवरऑल थायराइड ग्लैंड, अगर एक पूरी थायराइड ग्लैंड की बात करें, उसमें दो सेल्स प्रेजेंट है, दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है,
थायराइड फॉलिकल्स जो आपके हैं, फॉलिकल मतलब पूरा बंच, इस पूरे को क्या बोलेंगे आप, फॉलिकल, और इसके अंदर की एक सेल को देखेंगे तो क्या बोलोगे, फॉलिकुलर सेल। तो जो थायराइड फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल है, देखो अब क्या होगा, ये इतनी सारी सेल है, ये पूरा फॉलिकल ओपन करके हमने देखा, इतनी सारी सेल आपकी एक फॉलिकल में प्रेजेंट है, फॉलिकल एक गुच्छा है ना, तो यहाँ पे जो बनेगा वो भी यहाँ पे, देखो जो ये वाली सेल बनाएगी वो भी कहाँ देगी, ल्यूमेन में देगी, ये वाली सेल भी ल्यूमेन में देगी, हर सेल से जो भी कंटेंट होगा वो कहाँ आएगा, ल्यूमेन में आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारी जो बंच में पूरा गुच्छा आपको दिख रहा है, ये जो भी कंटेंट इसके अंदर होगा वो अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि क्या एक्चुअल में कंटेंट होता है, सारी के सारे जो फॉलिकल हैं, फॉलिकुलर सेल हैं, अपना कंटेंट किसको देंगी, सेम एक ही ल्यूमेन को देंगी, ठीक है। तो फर्स्ट इसको देख लीजिए, थायराइड फॉलिकल T3 T4 बनाएगा, पैरा फॉलिकुलर सेल कैल्सिटोनिन बनाएगा। अब बात ये आती है कि ये जो कैल्सिटोनिन है, क्योंकि देखो कैल्सिटोनिन बिल्कुल डिफरेंट आपका हॉर्मोन है, पैरा फॉलिकुलर सेल से बनता है, इसका जो आपका इंपॉर्टेंस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को, देखो कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्सिटोनिन वो हार्मोन है जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इसका काम क्या होता है, ये आपके ब्लड में, ये क्या करता है, आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल, तो ये ब्लड में जो भी आपका कैल्शियम है उसके लेवल को कम करेगा। और इसी के साथ दो हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं, वो कौन से हैं, विटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। तो बेसिकली अभी हमें केवल इन दोनों पे फोकस करना है, T3 एंड T4 में, जो कि कौन बना रही है, थायरॉयड फॉलिकल। ये जो कैल्सिटोनिन है ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स बनाती हैं, और इसके बारे में पूरी इसकी जो भी आपका आप बोलेंगे रोल जो है कैल्शियम बैलेंस में, कि कैसे ये कैल्शियम को बैलेंस करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का जो फोकस रहेगा वो होगा T3 एंड T4 में। तो आ जाते हैं T3 T4, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अभी ये आपको दिखा कि ये आपका फॉलिकल था, ठीक है, मैंने बोला कि हर फॉलिकल जो भी करेगा वो अपने कंटेंट को कहाँ देगा, बीच में जो राउंड पोर्शन आपको ल्यूमिन दिख रहा है वहाँ देगा। तो हम एक काम करते हैं, सारे फॉलिकल्स को ना ड्रॉ करके हम केवल एक ही फॉलिकुलर सेल को देखते हैं और ल्यूमिन को देखते हैं, क्योंकि ये एक सेल जो बनाएगी जो ल्यूमिन में देगी, बाकी की सारी सेल्स भी वही कर रही होंगी। तो ये देखिए वही मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये रहा, देखो थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि प्रोसेस इसमें थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। ये रहा आपका ल्यूमेन, अब एक यहां पे सेल बना देते हैं, ये रहेगी आपकी सेल, इसको चाहे आप इस तरीके से ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा आपका हो गया, एक ल्यूमेन लिए, ल्यूमेन तो कॉमन होगी आपकी, है ना, ये आपका पार्ट क्या है, ल्यूमेन पार्ट है, इसमें मैं ऐसे नोट भी कर लेते हैं, और ये आपकी क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम फॉलिकुलर सेल। तो अब केवल हमने क्या किया है, एक सेल को लिया है और ल्यूमिन को देखा है, तो एक सेल में जो हो रहा होगा बाकी की सेल्स में भी वही होगा, एक सेल यहाँ पे लगेगी, एक सेल यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ पे लगेगी, बट अभी केवल हम एक ही को फोकस करके देख रहे हैं और देखते हैं कि अब किस तरीके से। तो आज का हमारा जो टॉपिक मेन हमें कवर करना है वो यही है कि T3 और T4 जो अभी हमने हॉर्मोन बोले थे जो ये फॉलिकुलर सेल बनाती है वो किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं, क्योंकि अब आप फर्दर क्लासेस में ये देखेंगे कि जो ये सिंथेसिस, अगर आपको कभी भी किसी इंसान को अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, यानी कि अगर किसी इंसान के ये बॉडी में T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हो गया है, ठीक है, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है, कम वाले पेशेंट भी होते हैं जिनमें डायरेक्टली हमें T4 या T3 देना पड़ता है, अगर किसी के बॉडी में इसका लेवल ज़्यादा है तो क्या करेंगे, तो मेडिसिन कैसे काम करेंगी, तो मेडिसिन कैसे काम करेंगी, जो ये थायराइड हार्मोन बनते हैं T3 T4 जो अभी हम देखेंगे किस तरीके से बनते हैं, वो जो
स्टेप्स होते हैं उसके बनने के, उन स्टेप्स को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ऑब्वियसली जितने स्टेप्स आप पढ़ोगे T3 T4 के बनने तक, अगर उन स्टेप्स को किसी भी तरीके से आप ब्लॉक कर दीजिए तो T3 T4 का लेवल खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आप मेडिसिन देखेंगे, प्रोपाइल थायो यूरेसिल कार्बिमाजोल मिथिमाजोल बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो इसी स्टेप्स पे काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो ये जो है आपका ये है आपका ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इसके अंदर देखो आपका इस तरीके से कैपिलरीज होती हैं, आपको मैंने बताया था, ये देखिए ये कैपिलरी है ना, बिल्कुल फॉलिकल से जुड़ी हुई हैं। अगर फॉलिकल से कोई भी चीज आपकी कैपिलरी में भी आ सकती है, कैपिलरी से कोई भी चीज फॉलिकल में भी जा सकती है, तो वही कैपिलरी मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर ब्लड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखिए आप जो भी खाना लेते हो, आप खाने में क्या लेते हो, आयोडीन लेते हैं, आयोडीन बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है ना। तो हमने क्या किया, जो खाने में आपने आयोडीन ली थी, या आयोडीन आपने क्या लिया, जो भी डाइट था उसमें आपने कंज्यूम किया। अब क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ आप ओरली लेते हो तो वो कहाँ जाती है, सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, आपके स्टमक में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे ही वो GI ट्रैक में जाती है तो आयोडीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, जो भी हमने खाने में आयोडीन लिया होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, आयोडाइड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आयोडाइड की प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्ब होने की। अगर आपने खाने में आयोडीन लिया और वो आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। और खाते क्यों हैं हम कुछ भी, रीजन क्या है कुछ भी चीज खाने के पीछे, हम इसीलिए फूड इंटेक करते हैं या कोई भी कंपोनेंट का इंटेक करते हैं ताकि वो हमारे ब्लड में जा सके, क्योंकि ब्लड से ही किसे मिलेगा, सारे ऑर्गन्स को मिलेगा। तो देखिए आयोडीन हमने लिया खाने में, कन्वर्ट हुआ इनटू आयोडाइड, आयोडाइड कहाँ चला गया, अभी आयोडाइड कहाँ पहुंच गया है, हमारे ब्लड में आ चुका है। देखो आई नेगेटिव हमारे ब्लड में है, ठीक है, ये हमारा ब्लड है, आई नेगेटिव ब्लड में आ गया। अब क्या हुआ, जो ये आयोडाइड ब्लड में आया है तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है, 80% जो होता है वो ये फॉलिकल्स ले लेते हैं, रिमेनिंग 20% बॉडी की और प्रोसेसेस में आपका यूज हो जाता है। बट जो जितना भी जो आयोडाइड आपका एब्जॉर्ब होके ब्लड में आया है इसका 80% कौन ले लेगा, ये फॉलिकुलर सेल्स ले लेंगी। ये केवल एक सेल आपको दिख रही है, मैंने बताया नंबर ऑफ सेल्स हैं, देखो इतने सारे फॉलिकल्स हैं, हर किसी की सेल्स हैं, तो 80% आपकी थायरॉइड ग्लैंड ले लेती है, सिंपल सी बात। तो ये आयोडाइड देखो जो ब्लड में आया था, अब क्या होगा इसका, इस तरीके से ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं इनके सरफेस में आपके ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर। ये ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो क्या करता है, सोडियम की मदद से आयोडाइड को कहाँ भेजता है, फॉलिकुलर सेल में भेजता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि ये जो सिंपोर्टर क्यों बोला मैंने इसे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। अगर सोडियम बाहर जाता और आयोडाइड अंदर आता तो मैं क्या बोलती इसे, एंटीपोर्टर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या है, सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर। तो सिंपल सी बात हो गई कि जो आयोडाइड हमने लिया था, जो भी आयोडीन हमने खाया था डाइट में, कन्वर्ट हुआ इनटू आयोडाइड, आयोडाइड हमारे ब्लड में गया, 80% ऑफ आयोडाइड विल गेट एब्जॉर्ब इन फॉलिकुलर सेल में एब्जॉर्ब हुआ विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर। सिंपल, आपका आयोडाइड जो है वो कहाँ पहुंच गया है, फॉलिकुलर सेल में, इस तरीके से पहुंच चुका है। कैसे पहुंचा ये समझ में आता है, तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, जो पहला स्टेप था यहां पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट स्टेप है ये, इस तरीके से इसे राउंड कर दिया, ये फर्स्ट स्टेप था सोडियम आयोडाइड, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो पूरी प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड जो है वो ट्रैप हो चुका है, ठीक है, ट्रैप हो चुका है। तो ऐसा करते हैं इसे यहां से हटा के, यहाँ पे हम स्टेप्स भी लिखते रहते हैं क्योंकि ये बाद में आपको एक समराइज करने में हेल्पफुल होगा। तो कौन कौन से हैं देखते हैं, तो फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो क्या था, आयोडाइड ट्रैपिंग। सबसे पहले स्टेप में आपका
आयोडाइड जो आपने डाइट में लिया वो ट्रैप हो गया, फॉलिकुलर सेल में आ गया। तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अब क्या होगा, अब देखो एक और प्रोसेस यहाँ पे जो कि इससे अलग है उसे भी हम समझ लेते हैं कि जो ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, सेल है तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए ये वो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इससे अलग प्रोसेस है। आयोडाइड आ गया अंदर, उसे वहीं पे लीव कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। ये आपकी क्या है, फॉलिकुलर सेल है तो इसके अंदर ऑब्वियस ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका डीएनए है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होगा, ये जो डीएनए है ये क्या बनाएगा, अभी आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने कवर कराए थे उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से डीएनए से एमआरएनए बनता था, है ना। डीएनए से पहले क्या बनता था, एम आर एन ए, और एम आर एन ए से क्या बनता था, प्रोटीन बनती थी, यही हुआ था। डीएनए से एम आर एन ए बना, प्रोसेस को क्या बोलते थे, ट्रांसक्रिप्शन। एम आर एन ए से प्रोटीन जब बनी, प्रोसेस को क्या बोला, ट्रांसलेशन। ऑल्दो प्रोटीन जो बनती थी वो मल्टीपल स्टेप्स में बनती थी, पहले एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती थी इन राइबोसोम, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपकी क्या बनती थी, प्रोटीन बनती थी, यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो प्रोटीन बनी है, अब ये क्योंकि फॉलिकुलर सेल के अंदर की प्रोटीन है तो कैसी प्रोटीन होगी, तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन यहाँ पे बनती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, उस प्रोटीन का नाम है थायरो ग्लोब्यूलिन। प्रोटीन बन चुकी है देखो, ठीक है, और कैसे बनी, सिंपल समझ में आता है, डीएनए एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बनी, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो प्रोटीन बनती है उसका नाम क्या है, थायरोग्लोबुलिन। और ये प्रोटीन यहाँ से डिफ्यूज होके, यहाँ से क्योंकि ये कहाँ बन रही है, फॉलिकुलर सेल में बन रही है, तो यहाँ से डिफ्यूज होके कहाँ चली जाती है आपकी, कहाँ चली जाती है, ल्यूमेन में चली जाती है। तो मैं अब इस प्रोटीन को ड्रॉ कर रही हूँ, ये वो प्रोटीन है देखो, ऑब्वियसली प्रोटीन है तो क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, अमीनो एसिड होंगे बहुत सारे, इस तरीके से आपके नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स विल बी प्रेजेंट इन थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। तो ये बनी आपकी थायरोग्लोबुलिन। ये जो थायरोग्लोबुलिन बनी कहाँ थी, फॉलिकुलर सेल में, और गई कहाँ, ल्यूमेन में, और जो ये जिस प्रोसेस के थ्रू गई उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस समझ में आता है, जो आपका ट्रांसपोर्ट की ही प्रोसेस है उसे मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ किस तरीके से एंडोसाइटोसिस होती है। इस तरीके से आपकी जो ये मेम्ब्रेन है ये क्या बना लेती है, इस तरीके से वेसिकल फॉर्म कर लेती है। इस वेसिकल के अंदर कौन आ जाएगी, ये प्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, देखो मैं यहीं पे दिखा दे रही हूँ, ये प्रोटीन है देखो, ये वेसिकल के अंदर आ गई, और ये फिर यहाँ से वेसिकल टूट जाती है, और ये प्रोटीन कहाँ चली जाएगी, ल्यूमेन में, और वापस से ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये वापस से क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। यही प्रोसेस होती है किसकी, एंडोसाइटोसिस की। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल आपका ल्यूमेन में ट्रांसफर हुआ, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या होता है, ये जो आपको आयोडाइड दिख रहे हैं, ये आयोडाइड के जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। ये जो फॉलिकुलर सेल और ल्यूमेन के बीच की जो ये आपको दिख रहा है ना कैविटी, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। इस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है आपका, पेंड्रीन, ठीक है, पेंड्रीन आपका ट्रांसपोर्टर है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों के बीच में प्रेजेंट है। तो आसानी से ये जो आयोडाइड के मॉलिक्यूल आपके यहाँ से आए थे सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर को यूज करके, वो आसानी से इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, आपके ल्यूमेन में चले जाते हैं। तो ये आयोडाइड जो यहाँ था वो कहाँ पहुँच गया, आपके ल्यूमेन में पहुँच गया। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस आपकी, अभी तक हम केवल फर्स्ट स्टेप हमने कवर किया है कि कैसे आपका ये सिंपोर्टर को यूज करके आयोडाइड पहले कहाँ आया, फॉलिकुलर सेल में आया, और देन फॉलिकुलर सेल से पेंड्रीन ट्रांसपोर्टर को यूज करके ल्यूमेन तक पहुंच गया। साथ ही साथ जब ये प्रोसेस चल रही थी उसी टाइम फॉलिकुलर सेल के अंदर का जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है उसने अपना एमआरएनए बनाया ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से,
mRNA ने देन प्रोटीन सिंथेसाइज की जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन, और ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंटर कर गई इन द ल्यूमेन। ल्यूमेन में आपकी देखो दोनों चीज आ चुकी है, आयोडाइड भी आ चुका है और आपकी प्रोटीन भी आ चुकी है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो आपको आयोडाइड दिख रहा है, ठीक है, आयोडाइड का काम खत्म हो गया। अब आयोडाइड को केवल इसलिए बनाया गया था ताकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, क्योंकि आयोडीन जो होता है कभी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। आई नेगेटिव फॉर्म जो आयोडाइड फॉर्म है वो इसलिए बनाई गई ताकि GI आपने जो भी आपने आयोडीन लिया था वो आपके ब्लड में आए, ब्लड से आपका फॉलिकुलर सेल में आए, फॉलिकुलर सेल से अपनी ल्यूमिन में आ जाए। अब इसे कहीं नहीं जाना है, इसीलिए ये यहाँ पे अब अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा। ये जो आयोडीन है इट विल कन्वर्ट इन टू, ये जो आयोडाइड आपको दिख रहा है आई नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आयोडीन में। और कौन सी प्रोसेस ऐसी होगी जिससे ये कन्वर्जन होगा, क्या हुआ होगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है जब आपका कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन से क्या हुआ, आपका जो ये इसके पास आपका जो नेगेटिव चार्ज था ये हट गया, ऑब्वियसली न्यूट्रल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आयोडाइड जो है किस में कन्वर्ट हो गया आपका, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका कौन सा स्टेप है, ये आपका सेकेंड स्टेप है, ठीक है। तो यहां मेंशन कर लेते हैं सेकेंड स्टेप को, सेकेंड स्टेप क्या है आपका, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। जो आयोडाइड था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सिंपल आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। और ऑक्सीडेशन आप सबको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आपका यही ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ फाइनली आपका क्या बन गया, आयोडीन बन गई। आप देखो ये आयोडीन क्या करेगी, ठीक है, यहीं से आप देखते हैं। तो यहीं से आपका क्या होता है, थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है। ये अब जो आपको आयोडीन दिख रही है, ठीक है, अब देखो ये जो आपकी थायरोग्लोबुलिन की पहले इसी में आते हैं, ये थायरोग्लोबुलिन आपकी प्रोटीन है ना, तो इसमें क्या होते हैं देखो इस तरीके से, इसे हम इस तरीके से आप देखेंगे इसमें मल्टीपल टायरोसिन मॉलिक्यूल होते हैं। टायरोसिन सबको पता है, टायरोसिन क्या है, आपका अमीनो एसिड है। इस तरीके से आपके बहुत सारे टायरोसिन के मॉलिक्यूल थायरोग्लोबुलिन में प्रेजेंट होते हैं आपके। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें जो आपके थायरोग्लोबुलिन आपके प्रेजेंट हैं वो आपके 120 आपके क्या होते हैं, टायरोसिन आपके प्रेजेंट होते हैं। पूरा अगर मैं थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन को देखूं तो इसमें टायरोसिन मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है, 120, अप्रॉक्सीमेटली 120 आपके टायरोसिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप देखिए इस तरीके से मैंने टायरोसिन दिखा दिया है, अब क्या होगा, थर्ड स्टेप आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ये आयोडीन है, ये आयोडीन क्या करेगा, इन टायरोसिन्स के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप का नाम क्या है, आयोडिनेशन। आयोडीनेशन मतलब अब आयोडीन का जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे जुड़ेगा, ये जो आपको आयोडीन दिख रही है ये देखो इसके पास ऑप्शन है, या तो टायरोसिन के साथ केवल एक आयोडीन जुड़ेगा, ये वन आयोडीन जुड़ गया, ठीक है, इस तरीके से इसे हटा के ये देखिए जुड़ा। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आयोडीन के साथ क्या हो जाए, आपके टायरोसिन के साथ दो आयोडीन जुड़ जाए। सिमिलरली आप इस तरीके से सेट बनाते रहिए इसके, ये वाला मान लीजिए ये भी ऐसा ही था, यहाँ पे एक आयोडीन जुड़ा, यहाँ पे मान लीजिए दो आयोडीन जुड़े, ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कहीं पे एक आयोडीन जुड़ेगा कहीं पे दो आयोडीन जुड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे भी दो आयोडीन जुड़े, यहाँ पे एक आयोडीन जुड़ा, इस तरीके से आयोडीनेशन हो गया। आयोडीनेशन किसका हुआ, टायरोसिन का, जो आपके थायरोग्लोबुलिन के प्रोटीन के में जो टायरोसिन प्रेजेंट थे उनमें आयोडीन ने जुड़ना स्टार्ट कर दिया। कहीं पे ऐसा हुआ कि टायरोसिन के साथ केवल एक आयोडीन जुड़ा, कहीं पे हुआ दो आयोडीन जुड़े, ऐसे रैंडमली आप ये पूरा थायरोग्लोबुलिन में ये प्रोसेस होगी। तो ये था आपका क्या, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है आपका, आयोडीनेशन,
ठीक है। आयोडीन आपका अटैच हो गया किसके साथ, टायरोसिन के साथ, और टायरोसिन कहाँ थे, ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन की चेन में थे। अब क्या होगा, अब आते हैं हम किस में, फोर्थ स्टेप में आते हैं, यहीं से ले लेते हैं इसे। ये जो हुआ है देखो, आयोडीनेशन हो गया, अब आयोडीनेशन के बाद क्या होता है, कपलिंग होती है। कपलिंग मतलब देखो, ये दोनों टायरोसिन अगर एक साथ जुड़ जाए, ये वाला देखो, ये दोनों कपलिंग कर लेंगे, देखो एक कपलिंग ये हुई, मैं केवल दो ही दिखा रही हूँ क्योंकि फिर वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, मैंने चेन भी इतनी बड़ी नहीं बनाई है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसे। ये है देखिए, कपलिंग मतलब क्या हुआ, कपल बनने स्टार्ट हो गए, जो टायरोसिन थे, जो पास पास के टायरोसिन थे, उन्होंने एक दूसरे से क्या बना लिया, कपल बना लिया, और कपल बनने के बाद क्या हुआ होगा, ये क्या है देखो, एक आपका बेसिकली हुआ क्या, पूरा आपका तीन आयोडीन एक साथ आ गए, तो इसे क्या बोलोगे आप, T3, है ना। ये क्या बनेगा आपका, पहले तो हम इसको सिंपल ये बोल देते हैं, आयोडीनेशन के बाद आपके पास क्या बना था, कहाँ पे इसे नोट करते हैं, इसको क्या बोलोगे, जिस टायरोसिन के साथ एक आयोडीन जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे हम, MIT, MIT मतलब मोनोआइडो थायरोग्लोबुलिन या थायरोनिन। ये जिस टायरोसिन के साथ दो आयोडीन जुड़े हैं उसे क्या बोलोगे, DIT, यानी कि डाई आइडो, डाई है ना, दो आयोडीन है, तो डाई आइडो थायरोनिन, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल को आप साथ घुमा के चल रहे हैं, तो इस तरीके से आपको MIT और DIT मिले। देन क्या हुआ, MIT और DIT इनके बीच में कपलिंग होनी स्टार्ट हुई। यहाँ पे देखो ये वाला क्या है, ये क्या है DIT, क्योंकि देखो इस टायरोसिन के साथ क्या है, दो आयोडीन है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, DIT। ये वाले टायरोसिन के साथ देखो कितने हैं, दो हैं, तो ये भी क्या है आपका, DIT। तो और आपको ओवरऑल पता चल गया कि दो चीजें हमें मिल रही है, एक तो MIT मिल रहा है या फिर DIT मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या है, इस टायरोसिन के साथ क्या है, केवल एक आयोडीन है, तो इसे भी क्या बोलोगे, MIT। यहाँ तक समझ में आता है, यानी कि आयोडीनेशन के बाद आपको MIT और DIT मिल चुके हैं। MIT क्यों बोला मैंने, मोनोआइडो, जहाँ पे एक आयोडीन जुड़ी है उसे क्या बोलोगे, मोनोआइडो, जहाँ पे दो आयोडीन जुड़ी हुई है उसे क्या बोला, डाई आइडो थायरोनिन बोला। अब ये MIT DIT के बीच क्या होने वाला है, ये नेक्स्ट स्टेप है आपका, तो इस स्टेप को हम यहीं से आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं इसे। तो फोर्थ स्टेप जो आपका है वो क्या है, कपलिंग। कपलिंग यहाँ पे मैंने आपको सिंपली दिखा दिया था कि ये दोनों आपस में कपल करेंगे, ये भी आपस में कपल करेंगे। तो देखो कपलिंग के दो ही ऑप्शन होते हैं, कपल क्या होता है, दो लोगों के बीच में होता है, दो चीजों के बीच में होता है। तो देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो MIT है या DIT है। तो कपलिंग कैसे कैसे हो सकती है, या तो हो सकता है कि MIT किसके साथ कपल करे, और हमेशा याद रखना कि कपलिंग में DIT का होना जरूरी है, तो यानी कि दो ही चीजें होंगी, DIT उसमें आपका क्या है, कॉमन रहेगा। तो ये अगर आपका DIT है, DIT, तो दोनों ही केस में जब भी कपलिंग होगी तो उसमें एक तो है आपका डोमिनेंट, ये होना ही चाहिए, DIT कपलिंग में होना ही चाहिए। तो अब बच क्या गया, DIT किसके साथ कपल कर सकता है, DIT की तो कपलिंग करनी है, DIT MIT के साथ कपल कर सकता है, DIT की कपलिंग हम MIT के साथ करा सकते हैं, या फिर DIT खुद DIT के साथ ही कपल कर लेगा। यही दो ऑप्शन तो होते हैं, जब मैंने बोल दिया कि DIT तो मैंडेटरी है, वो तो होना ही चाहिए, DIT आपका रहेगा कॉमन, तो DIT अगर कॉमन है तो कपल करने के लिए या तो DIT MIT से कर सकता है या खुद DIT से कर सकता है, क्योंकि दो ही ऑप्शन हमारे पास है। तो यहाँ से अब आता है देखो, जब ये DIT MIT से कपल करता है, यानी कि डाई आइडो मोनो आइडो, बताइए डाई आइडो में कितने आयोडीन होंगे, दो, मोनो में कितने आयोडीन होगा, एक, यही होगा। तो दो और एक मिलकर क्या बनाएंगे, इसको ऐसा करते हैं, इसी के अंदर ले लेते हैं इसे, क्या बनेगा DIT और MIT जब कपल करेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या बनाएगा, तीन आयोडीन वाला मॉलिक्यूल बनाएगा, और तीन आयोडीन वाला कौन सा मॉलिक्यूल होता है, T3, ट्राई आइडो, डाई आइडो मोनो आइडो, डाई और मोनो मिला क्या बना, ट्राई, तीन को क्या बोलते हैं, ट्राई, तो ट्राई आइडो यानी कि तीन आइडो थायरोनिन, ठीक हो गया। अब सेम यहां पे आ जाओ, डाई आइडो मतलब
दो आयोडीन है, यहाँ पे भी डाई आयोडो है, दो आयोडीन है, तो दो और दो कितने हुए, चार, तो फोर आयोडो मतलब टेट्रा, फोर किसको रिप्रेजेंट करता है, टेट्रा को, तो क्या बन जाएगा, T4 मतलब टेट्रा आयोडो थायरोनिन, तो ये T3 क्या है आपका, ट्राई आयोडो थायरोनिन, और टेट्रा आयोडो क्या है, T4 है, तो इस तरीके से देखो कपलिंग के बाद क्या हुआ आपका, कपलिंग कैसे होती है समझ में आया, और क्या बन गया, T3 एंड T4 बन गया, तो फोर्थ स्टेप जो आपका होगा वो क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ स्टेप है ये, ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था, इसे मेंशन कर लेते हैं, आयोडिनेशन इज थर्ड स्टेप, कपलिंग इज फोर्थ, यहाँ पे आ जाइए, इसे यहाँ मेंशन कर लेते हैं कपलिंग। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता लगेगी, अब देखो एक चीज यहाँ पे एक आती है कि तीनों प्रोसेस जो हुई हैं, ऑक्सीडेशन, आयोडिनेशन और कपलिंग, इन तीनों के लिए एक एंजाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उस एंजाइम के बिना ये प्रोसेस हो ही नहीं सकती है, तो वो एंजाइम कौन सा है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसे मैं इस लाइन से बाहर लिख रही हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पे मेंशन उसे कर सकते हैं रिएक्शन में, उस एंजाइम का नाम है आपका थायराइड पर ऑक्सीडेज, ये वो एंजाइम है जो क्या करता है आपका, इन तीनों को ऑक्सीडेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहां पे मैं लिख देती हूं, देखिए ये टीपी थायराइड पर ऑक्सीडेज, यहां पे भी टीपी क्योंकि आयोडिनेशन के लिए भी चाहिए, कपलिंग के लिए भी ये चाहिए, तो टीपी, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एंजाइम है कि आपका ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है, आयोडिनेशन भी करा रहा है और कपलिंग भी करा रहा है, तो अब ये बात दिमाग में लाइए कि किसी भी तरीके से अगर इस एंजाइम को आप रोक दें तो क्या ये रिएक्शन आगे की होगी, ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो पाएंगे, नहीं, तो इसीलिए आपकी जो हाइपरथायरॉयडिज्म की जो मेडिसिन आती है वो इसी एंजाइम को क्या करती है आपका, ब्लॉक कर देती है, ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो ये होगा ही नहीं, T3 T4 बनेगा ही नहीं। अब देखो ये T3 T4 जो बना है, अब बन तो गया, अब बनने के बाद होता क्या है, देखो ये क्या करता है आपकी ल्यूमिन में ही आपका स्टोर रहता है, जहां पे बना है ये ल्यूमिन पार्ट था ना, यहीं पे स्टोर रहेगा, और जब भी आपको जरूरत होगी, जिस भी टाइम पे आपकी बॉडी में T3 और T4 का लेवल कम होगा, तो एकदम से क्या होगा, ये यहां से कहाँ चला जाएगा, ये T3 और T4 जो दोनों आपको दिख रहे हैं, ये यहां से कहाँ जाएंगे आपके फॉलिकुलर, यहाँ पे आ जाएंगे, जो फॉलिकुलर सेल है यहाँ पे आ जाएंगे, इस प्रोसेस को आप ध्यान रखिएगा, और ये भी सेम क्या होगी, एंडोसाइटोसिस के थ्रू होगी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, एंडोसाइटोसिस के थ्रू T3 और T4 दोनों के दोनों कहाँ चले जाएंगे आपके, जब भी जरूरत होगी, याद रखिएगा, जब जरूरत नहीं है तो ये यहीं पे रहेंगे, बन गए ठीक है, स्टोर रहेंगे, लेकिन जब भी, और हमेशा ध्यान रखना, ये जो T3 T4 बना है ये कहीं बाहर नहीं है, अभी भी किससे जुड़ा हुआ है, थायरोग्लोबुलिन से, इतना दिमाग में रखो, क्योंकि यहाँ से इसे हटाया नहीं गया है, देखो टायरोसिन अभी भी अटैच्ड है, टायरोसिन किस में है आपके, थायरोग्लोबुलिन की चेन में ही तो है, तो T3 T4 जो बने हुए हैं वो कहाँ है, ये T3 है, देखो तीन आयोडीन वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, T3 है, चार वाला क्या है आपका, T4 है, तो ये पूरा अभी किसमें है, थायरोग्लोबुलिन के साथ है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी ये पूरा का पूरा डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ, फॉलिकुलर सेल में, यहाँ से कहाँ आ गया, इस तरीके से देखो, ये आपकी चेन थी, ये थी ना, ये थी चेन, और इसके साथ अब केवल हम T3 T4 लिखा हुआ दिखा देते हैं, और आपको पता है T3 T4 क्या होते हैं, इस तरीके से देखो मल्टीपल T3 T4s बने, ठीक है, ये चेन जो थी अब कहाँ आ गई, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस हुई, सेम यहाँ पे वेसिकल बनी होगी, और ये यहाँ आ गए, और जैसे ही फॉलिकुलर सेल में आए, यहाँ पे ये फॉलिकुलर सेल में आपका एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, वो कौन सा ट्रांसपोर्टर है उसे जरा देख लेते हैं, एक काम करें इसे यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं MCT। MCT की फुल फॉर्म क्या होती है, मोनोकार्बोक्सिलेज ट्रांसपोर्टर, तो मोनोकार्बोक्सिलेज ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, देखिए ब्लड में चेन आ चुकी है आपकी पूरी, ये चेन, ये आपका था ब्लड, और ब्लड में इस तरीके से आपका
चेन आ चुकी है। और बल्कि आप अगर इसे यहाँ नहीं दिखाते हैं तो आपको एक और प्रोसेस समझ में आनी चाहिए कि ये जब चेन यहाँ पे आती है, अगर ये चेन यहाँ आई मान लीजिए, तो चेन आने के बाद यहाँ पे आपके क्या होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। और लाइसोसोमल एंजाइम का काम क्या होता है, तो T3 T4 को चेन से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अगर ये आपकी चेन है, मान लीजिए इसे दिखाई देते हैं यहीं पर, मान लीजिए ये वो चेन थी, ठीक है। चेन में आपने बोला कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी आपकी, T3 भी था, T4 भी था, ठीक है, दोनों चीज़ें बनी थी क्योंकि इस तरीके से था ना। तो ये जब आया तो लाइसोसोमल एंजाइम आए, लाइसोसोमल एंजाइम ने क्या किया, T3 T4 को इस चेन से क्या कर दिया, अलग कर दिया। इस तरीके से इस चेन को देखो ऐसे ब्रेक कर दिया, ये चेन क्या हुई, ब्रेक हो गई। तो ब्रेक होने के बाद क्या हुआ होगा, देखो T3 T4 फ्री हो गया, ब्लड में आ गया। मान लो मैं यहाँ पे इसे शो कर देते हैं, देखो यहाँ पे आ गया, देखो T3 आया है ये और T4 भी ब्लड में आ गया। और जो चेन ये बची होगी, जो थायरोग्लोबुलिन जो बच गया ना, क्योंकि ये तो T3 T4 तो इससे निकल गया है, तो ये चेन वापस से कहाँ चली जाती है, आपकी फॉलिकुलर सेल में इसका अपटेक हो जाता है और नेक्स्ट साइकिल में इसका यूज हो जाता है। तो यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो T3 T4 का रिलीज कैसे हुआ ब्लड में, जो आपका T3 T4 ल्यूमिन में बना था, एंडोसाइटोसिस के थ्रू कहाँ आया, फॉलिकुलर सेल में आया। देन फॉलिकुलर सेल से MCT ट्रांसपोर्टर था, मोनोकार्बोक्सिलेज ट्रांसपोर्टर, जिसके थ्रू ये पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ आया, ब्लड में आया। ब्लड में डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट है, लाइसोसोमल एंजाइम आप जानते हैं इनका काम ही क्या करता है, लाइसिस का होता है, तोड़ने का काम होता है। ये इस चेन से T3